इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश में आपकी क्लास के क्लास टेंथ के इंग्लिश के कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर है द गंगा, तो इसी चैप्टर के मैं आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है जिससे कि वो भी जान सकें क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन जो इंग्लिश में होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो शॉर्ट क्वेश्चन से पहले देखेंगे हम लोग, आपकी बात दोस्तों आपके 90 पार होकर रहेंगे यदि आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन आपको याद ही करने, उसके अलावा भी अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन याद कर लेने, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो तो याद करना ज़रूरी होता ही है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, पहले शॉर्ट से शुरू करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, टू नेहरू व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट। तो नेहरू जी जो थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो प्रीसियस गिफ्ट था वो क्या है। उसके बाद हु गेव इट टू हिम इन प्लेंटी, तो उनको ये किसने दिया था। व्हाट डिड ही होप फॉर, और उनकी इसके प्रति क्या आशा है, तो ये बताना है। 2010 11 और 12 में आया वो प्रश्न है, अथवा करके आपसे कैसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए और करके आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू, तो नेहरू जी के लिए जो बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट था वह क्या था, ये आपको बताना है। तो ये दो तरीके साथ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 2010 11 12 में आया हुआ था और ये 2019 में आया हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज, तो व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज, तो गंगा किसका प्रतीक है, क्या गंगा का प्रतीक क्या है, ये आपको बताना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। अब बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो चलिए उसको देख लेते हैं। वह क्या है क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेहरू फील सो मच अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना, तो जो नेहरू जी थे वह गंगा और जमुना से इतना अपने आप को लगाव, मतलब कि इतना जुड़ा हुआ क्यों समझते हैं, तो ये आपको बताना है, जिसका कारण बताना है। यदि आपने स्टोरी पढ़ा हुआ होगा, यदि आपने स्कूल में यदि आपने क्लास अटेंड किया होगा तो स्टोरी पढ़ी होगी, उसके लिए आपको ट्रांसलेशन करना आता है तो आप बिना याद किए हुए इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। सिर्फ आपको 25 वर्ड्स में इनका आंसर देना होता है, तो यदि आप स्टोरी पढ़े होंगे और ट्रांसलेशन आता है तो आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको और करके आपसे कैसे पूछा जा सकता है, हाउ वाज नेहरू अटैच टू द गंगा, तो नेहरू जी जो गंगा से कैसे जुड़े हुए हैं या फिर कैसे उनका इतना लगाव है, ये आपको बताना है। 2011 12 13 16 18 19 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर से ज़रूर याद करिए इस क्वेश्चन को। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार है, क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल, तो नेहरू जी जो थे वह इंडियन पीपल को, मतलब कि भारतीय जो लोग थे उनको क्या, मतलब कि रिपे करने में असफल थे, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। रिपे मतलब कि वापस करने में असफल थे। 2015 17 और 18 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स स्केटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, तो 2012 और 14 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताया गया, व्हाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स, तो नेहरू जी क्यों चाहते थे उनकी जो अस्थि विसर्जन, मतलब जब अस्थि प्रज्वलन हो जाए उसके बाद जो राख हो तो उसका अधिकतर भाग जो भारतीय फील्ड है ओवर फील्ड ऑफ इंडिया, तो उस पर मतलब कि ऊपर से डाला जाए, स्केटर्ड किया जाए, तो ये आपको बताना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इतने ही थे जो आपके इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन जो थे शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट थे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन एक एक करके। देखिए इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन एक क्वेश्चन आना तय है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है एक। और जो क्वेश्चन आते हैं देखिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा सकता है, मतलब कि एक क्वेश्चन होगा
आंसर उसका एक होगा और उस क्वेश्चन को कम से कम 6 से 7 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए उसको भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू। तो 2018 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए और करके आपसे कैसे पूछा जा सकता है, वाई वॉज नेहरू जी सो अटैच टू द गंगा। 2015, 2012, 2015, 2017, 2018 में आया हुआ है। तो वाई वॉज नेहरू जी सो अटैच टू द गंगा। तो नेहरू जी गंगा से इतना अटैच्ड क्यों है, लगाव क्यों है, जुड़ाव क्यों है, जुड़े हुए क्यों है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद और करके आपसे कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। 2012, 2012, 2013, 2016 और 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। तो क्या ऐसा सिग्निफिकेंस है, मतलब चिन्ह है जो नेहरू जी के लिए और इंडिया के लिए है, ये आपको बताना है। इंडिया मतलब इंडियन पीपल के लिए है। चलिए फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इसी तरह, मतलब कि यही क्वेश्चन आपको दोबारा और करके दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन है व्हाट वर द व्यूज़ ऑफ पंडित नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ कंट्री। तो व्हाट वर द व्यूज़ ऑफ पंडित नेहरू अबाउट द रिवर गंगा। तो पंडित नेहरू का क्या मतलब कि दृष्ट था, क्या मतलब कि उनका मानना था गंगा के बारे में एंड इंडियन पीपल के बारे में, पीपल ऑफ द कंट्री तो देश के लोगों के बारे में। तो 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 में आया वो प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए, आपके 4 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। फिर है दोस्तों इसी का आपको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ। तो गंगा जी, जो गंगा जी थी वह नेहरू को कैसे मतलब कि याद दिलाती हैं, गंगा जो रिवर है नेहरू जी को कैसे याद दिलाती है, ये आपको बताना है। फिर है 2015-18 में आया वो प्रश्न है। फिर और करके आपसे कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट पीटी मतलब कि पंडित नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा। तो आप मतलब कि नेहरू जी के बारे में क्या जाने या फिर क्या जान पाए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, गंगा चैप्टर को पढ़ने के बाद। 2016 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए अभी पहला प्रश्न चल रहा है, आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट तरीके से आपसे कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरू कैरेक्टर आर अबाउट आउट इन द लेसन। 2017 में आया हुआ प्रश्न है, इसमें बताया गया है व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरू कैरेक्टर आर अबाउट आउट इन द लेसन, मतलब कि नेहरू के कौन से ऐसे गुण हैं जो इस चैप्टर में लाए गए हैं, इस चैप्टर में बताए गए हैं, ये आपको बताना है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का, पूरी बुक से इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूँगा पूरी बुक से इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वॉज द विल ऑफ पंडित नेहरू, डिस्क्राइब इट्स मेन पॉइंट, Why did नेहरू want his assets to be immersed into the Ganga? तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, What was the will of पंडित नेहरू, तो जो पंडित नेहरू थे उनकी क्या इच्छा थी, ये आपको बताना है। Describe its main point, इसके आपको मुख्य पॉइंट जो है वो आपको दर्शाने हैं। Why did नेहरू want his assets to be immersed into the Ganga? तो नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनकी जो अस्थि विसर्जन के बाद जो राख है, मतलब उनकी जो अस्थियों की राख है वह गंगा में प्रवाहित की जाए, मतलब गंगा में उसको डाला जाए, ये आपको बताना है। और अगर क्या से यही प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, तो देखिए इन व्हाट वे डिड नेहरू डिज़ायर हिज एसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। 2019 में आया वो प्रश्न है, और करके आपसे इस तरह पूछा जा सकता है। तो अब इसी को और करके एक तरीके से आपसे और पूछा जा सकता है, वह है Why did Nehru want his assets to be scattered over the field of India? तो 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो नेहरू जी क्यों चाहते थे, मतलब कि why did Nehru want, नेहरू जी क्यों चाहते थे his assets जिनके राग थी वह scattered में फेंकी जाए, मतलब कि ऊपर से आपकी गिराई जाए, over the field of India जो भारत की धरती है उस पर, तो ये आपको बताना है। अब इसी को और एक तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसी को दोस्तों नेक्स्ट तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, तो नेक्स्ट है और करके व्हाट डज पीटी नेहरू डिज़ायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। मतलब कि व्हाट डज पंडित नेहरू डिज़ायर, पंडित नेहरू
क्या चाहते थे टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, मतलब कि उनकी जो बॉडी है डेथ के बाद वह क्या चाहते थे उनकी बॉडी के बारे में, मतलब कि उनकी जो शरीर था उसके बारे में क्या चाहते थे, तो ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि मतलब कि अस्थि प्रज्वलन हो, उसका जो राख हो, वह भारत की फील्ड जो इंडियन फील्ड है किसानों की उसके ऊपर जहाज़ द्वारा मतलब गिराई जाए, उसके बाद जो बची हुई राख है वह गंगा पर मतलब कि जो रिवर गंगा है उस पर प्रवाहित की जाए, यही सब है। यदि आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 द गंगा चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पसंद आने पे आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे वो भी जान सके क्या है इस चैप्टर में, क्या है इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।